तो गाइस आज हमें आप ब्लॉग रुक में देख जाओ। रहे हो हेलो, साथ में। मेरे से पूछा ब्लॉग बनाने से पहले। तुझसे क्या पूछूं? अरे माता जी भी आ गई। कुछ हमारे गांव के बारे में कुछ स्पेशल चीजें बताओ। माइक लगा लो आप। तू क्या मेरा इंटरव्यू ले रहा है? यस आप हम दोनों को वीडियो में देख रहे हैं साथ में, पहली बार ऐसा हो रहा है। और हमारे तो कैमरामैन है आकाश, तो आज हम इसको लाइव करेंगे। हमेशा मैं अकेला वीडियो बनाता था। मैंने सोचा कि आज तक हमारी कोई ऐसी वीडियो ही नहीं है जिसके अंदर हम दोनों एक साथ है। मैं हाँ सिर्फ पीछे से आवाज आती है, मेरे सामने से बिल्कुल आवाज नहीं आती। तो डेकोरेशन वगैरह सारी चीज हमने कंप्लीट कर दिए, तो शाम को अभी अपना प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो एक बार आप डीजे देखो, एक बार कितना बढ़िया लग रहा है। नाम भी लिख रहा है गाइस, किसी को करवाना हो तो करवा लेना भाई, संजू ट्रस्ट डीजे बसवा। बहुत संपर्क फेमस करें। है ये बसवा के भाई, बहुत तो अच्छा साउंड है। लास्ट टाइम हमने इन्हीं से करवाया था, फिर दोबारा इन्हीं से इसलिए करवा रहे हैं हमारे क्योंकि कान फट गए थे लास्ट टाइम। पिछली बार मेरे साले को इसका बेस अच्छा बेस अच्छा लग गया है। हाँ था। एग्जैक्टली। इसलिए तो इसलिए हमने दोबारा करा। एक बार थोड़ा सामने से और दिखा देते हैं। आप शाम को जब तक कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको एक बार अच्छे से दिखाऊंगा। और एक बार आप देखो डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही है, और डीजे का साउंड आप भी आपको सुनाऊंगा। शाम को आपको इतना मजा आने वाला है ना, क्योंकि डांस की हमारी अलग अलग वीडियो आएंगी। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। डांस की अलग वीडियो आएगी, ब्लॉग अलग आएगा। तो इसलिए कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। अभी तो वैसे ही मैंने आपको दिखाने के लिए जैसे एक रैंडम वीडियो बनाया है। तो देखो ये मुझे नींद बहुत आ रही है। क्या नींद आ रही है। तो ये देखो गाइस, अभी लाइटें वगैरह लग गई हैं, लेकिन है ना अभी ये दिखाई नहीं देंगी। अभी ये दिखाई देंगी आपको जब रात हो जाएगी, जब जलेंगी उसके बाद हम तभी आपको अच्छे से खुलेंगे। दिखाएंगे। तो बिल्कुल डॉल जैसी लग रही है, पता है। गाइस जब भी है ना इसको मैं बोलता हूँ ना, ये तो डॉल जैसी लग रही है, तो शर्मा जाती है। दिखाइए शक्ल एक बार, डॉल जैसी लगती है ना बिल्कुल। तो गाइस मैंने सामने की तो आपको सारी डेकोरेशन दिखा दिए। पापा क्या बना रहे हो आज आप? ये हमारे हलवाई भाई साहब है, बहुत फेमस है, पूरा बसवा इनको जानता है। इनको पकड़ कर लाए हैं हम, ये आसानी से नहीं आते, इनकी इतनी बुकिंग चलती है। तो कह रहा मैं तुम्हारे लिए आ गया, ये बहुत बड़ी बात समझो कि मैं यहाँ आ गया। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं गाइस। और अगर कोई बसवा से हमारी वीडियो देख रहा हो तो कमेंट जो नाम बताओ भाई साहब अपना। मुकेश हलवाई फेमस है भाई, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। कभी किसी को करना हो जरूर करना। मैंने इसीलिए बोला था, मैंने कि भाई खाना अच्छा बनाते हैं। बस इनको एक क्वार्टर चाहिए होता है, शाम को ज्यादा नहीं, बस एक क्वार्टर लेकर उसके बाद में वो बहुत तो अच्छा ये खाना कर बनाते। लो, मुकेश ने मुझे हायर कर रखे हैं, 50 रुपए दूंगा शाम को, मटर छील दो आप। हमारा आर्यन भी आ गया, नहा धो के तैयार हो गया। और ये मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। आधे ऐसे शाम प्यार उप से बोलते हैं पप्पू। हाँ पप्पू इनका प्यार से नाम है, और उप सरपंच भी रह चुके हैं हमारे गांव के। शक्ति का बड़ा भाई और मेरा बड़ा मैंने भाई। अलग चीज बताई है। ये कैसे हो? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? मिलिएगा इस हमारी वीडियो में, दो नए चेहरे और जुड़ चुके हैं। अब इनके साथ हम दबा के कंटेंट पे लेंगे, ठीक है। इतनी वीडियो बना देंगे कि आपने सोची नहीं होगी। और ये छोटी गुड़िया भी आई है, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। ठीक है, आपका नाम? कोमल। अब मैं मिलवाने जा रहा हूँ हमारे गांव के सबसे सरपंच सुप्रसिद्ध, सबसे कुख्यात, सबसे क्या बोलना चाहेंगे उनको। इधर सेट, जब मैं आता हूँ हट जाए। अगर अनफॉर्चुनेटली जो इंसान दिख रहा है ना, ये मेरा मामा है। लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया था, इसने अपनी टांग तोड़वा ली थी शराब पी। मैं पूरी बात बता, मामा लड़की से मिलने जा रहा था। किससे मिलने जा रहे थे? लड़की से मिलने जा रहे थे ना? नहीं यार, कैमरे के सामने सच बात नहीं बताएगा। तीन नहीं। शादी कर चुका है ये बंदा, चौथी की इस फिराक में। तो मैं दो शादी कर चुका, फिर तीसरी करने के लिए तैयारी में। बस है ना, इसकी बीवी है ना, जितनी बीवी रही है ना, बस उसको किस नहीं करती, बाकी सब काम कर लेती है। ये मेरा सगा सगा मामा है भाई, मजाक की बात नहीं है, सगा मामा है मेरे में इसके। ये बैंक में सरकारी कर्मचारी है, नौकरी करते हुए इसको 15 साल हो चुके हैं। जब इसने ज्यादा छुट्टी कर ली थी, इसके मैनेजर ने मुझे बुलाया और बोला कि आप इसके भांजे हो। मैंने कहा हाँ। उसने मेरे से 5 बार पूछा, कह रहा सच बताओ, माँ की कसम खा के बताओ, सच में भांजे हो इसके। मैंने कहा हाँ माँ की कसम खा के करो, सच में भांज जाऊ मैं इसका। वाह ये बात सच है, सच है ना ये बात। सच है। मामा के साथ ही बैठा था मैं। मामा हुक्का पियोगे? अरे हुक्का कैसे नहीं पियेंगे। और ये हमारे बाबू भाई है, इसमें धुआं हुआ तो कुछ आई नहीं नहीं रही। तो गाइज आई होप थोड़ा मजा आया होगा, थोड़ा मामा से मस्ती करी, ठीक है, थोड़ा मजाक कराया। तो किसी बात को आप सीरियस मत लेना, मेरी मजाक करने की आदत है, मैं अपनी मम्मी पापा सबसे मजाक करता रहता हूँ। अलवर से कैसे आई? मेरी गाड़ी से। अच्छा खुद की? अच्छा मेरी है वो। गाइस डस्टर देखो, अपनी बना ली इसने आयरन की डस्टर, वो मेरी है, उसमें मेरे को उल्टी नहीं आती, सारी गाड़ियों में उल्टी आती, उसमें नहीं आती बस। क्या बात है, आर्यन ने कौन सा सेंट छिड़क रखा है उसके अंदर। भाभी सही बोलती है, सस्ता शाहरुख खान है। रील बनाओ ना यार तुम लोग। ये देखो भाई हमारी बर्थडे गर्ल सोकर उठ गई। ओले भाई कैसा लग रहा है निया तू? दादी पास जाना है, कुछ रुको काम मम्मी, नहीं करने देती मेरी बोलती कुछ कुछ काम नहीं करने देता दादी को आप। गाइस ये मम्मी पापा के पास जाती नहीं और मम्मी का पीछा छोड़ती नहीं है। गाइस अभी हमारी चल रही है चाय पार्टी, बोलती है सब बोलते हैं, अभी तुम पहली बार देख रहे हैं ना। निया है ना, निया की पता है खास बात क्या है, सिर्फ लड़कियों के पास जाती है, लड़कों के पास जाती ही नहीं है। अब इसको पता है कोमल लड़की है, उसके पास जाना है, किसी भी लड़के के पास, अननोन के पास तो जाएगी नहीं बिल्कुल भी। अरे निया की तो लग गई। निया कैसे लग गई बेटा आपके? कैसे लग गई है? कैसे लगी बताओ जरा। तो गाइस भाई अभी हम जा रहे हैं डीजल लेने के लिए, क्योंकि भाई जनरेटर के अंदर डीजल भी चाहिए।
अभी लाइट फंक्शन का काम पूरा जोरों शोरों पे है, और अभी क्या है निया के बलून फूल रहे हैं, ये देखो अभी निया के फटाफट फटाफट अपने सारे बलून फुला के और यहाँ पे डेकोरेट करवाएंगे, और इनको देखो कितने मजे आ रहे हैं। कहाँ बाहर चला गया नहीं आगे, चलो इसको दिखा देना नानी को, चलो निया नानी आगे देखो, इसका रिएक्शन देखना एक बार निया का, अपनी नानी को देख के कैसा रिएक्शन देगी है। अभी अभी चलते हैं, गुब्बारे से खेलने में लगी हुई है यहाँ पे, वो देखो निया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, गाइस उनका भरत मिलाप चल रहा है वहाँ पे। वो राम राम कया का है बलून से खेल रहा था। गाइस अभी सासू माँ और ससुर जी भी आ चुके हैं भाई, अब एक बंदे का आना है बाकी, जो कि है मेरे प्रिय साले साहब, अभी रास्ते में आ रहे हैं। भूरा ढोलक आ गया भाई, नमस्कार। हम जीजा जी कौन बोलेगा? जीजा जी मार खाना चाहता है, वैसे बचना चाहता है। नमस्कार जीजा जी, दोबारा बोल। नमस्कार जीजा जी, फिर ठीक है, कैसे हो? बहुत बढ़िया, और दुआएं आपकी? नानू पास नानी से दिल भर गया आपका? अच्छा चेक करके देख रही है, तो गाइज अभी भाई मैं नहा धो के तो बिल्कुल अभी रेडी हो गया था दिन में ही, लेकिन अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ, अभी निया को तैयार करेंगे, थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे, तो लाइटें वगैरह डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ हो गई है अपनी कंप्लीट, और सब्जी खाना भी सब चीज़ बन गया है। ये देखो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बलून, और ये देखो ये सिस्टम, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बढ़िया सिस्टम हो गया। तो अभी थोड़ा आपको जो गंदा दिखाई दे रहा है इसको बीच में सफाई करेंगे, इसको बिछाएंगे, तो अभी लाइटें चल गई हैं, पर थोड़ी जब रात होगी जब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा पूरी, तो अभी ये डेकोरेशन चल रही है, अभी कंप्लीट डेकोरेशन नहीं हुई है, कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। रात होते ही बहुत मजा आने वाला है गाइस, डांस करने में एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। प्रिंसेस को देखो कैसा बनाया है, देखो के इसको 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 मतलब बनाने में कितना टाइम लगा तुम्हें? आधे घंटे, फ्रॉक बनाने बनाने से सब कुछ मिला, 10-15 मिनट से इसके पीछे लगे हुए, तब जाके इसको इतना तैयार करा है, दिखाया है हमने, तब जाके यार इसने कुछ करने दिया है, वो भी मूड की बात है, बच्चे की फैल जाए। नानी आई है जयपुर से, पता है? और क्या बुलाना पड़ता है नानी को स्पेशल? नानी मेकअप किया नहीं आता, मेरा भी कर दो है? मेरा भी कर दो, बैठो भाई, मेरा भी कर दो, करूँ ना बैठो सही, चलो कोई नहीं मैं बाद में करूँ। गाइस अभी निया को रेडी कर दिया, अब निया लग रहा है। तो गाइस पूरा सेटअप तैयार हो गया, और निया के मेकअप आर्टिस्ट हमने जयपुर से बुलाए थे पैसे देकर, ठीक है? तो निया अभी निया का फोटो शूट करते हैं, फटाफट से इसकी बैली बनाते हैं, फोन में लगाया हुआ है भाई, अपना कुछ हुलिया बिगाड़ ना ले, थोड़ा सा डरे हुए हम। चलो मैं लेकर जाओ यशु, जल्दी आओ आप, जल्दी आओ। और मिवान कैसे हो? कैसे हो? नहीं पहली बार आया ना तो यहाँ पे? नहीं पहले भी आ गए। अच्छा हाँ, जब छोटा था विमान जब आया था। हाँ कैरी फोन करा था ना आपको, मैं आऊंगी। ये जब से आपका वेट कर रही है पता है? आ जा। अच्छा बैग भर के लाए खिलौनों से? अरे पहले आते ही पहले यशु को ढूंढना है सबसे पहले कि यशु कहाँ पर है। अब हो गया भरत मिला, चलो चलो अब चलो गाइज, यशु के बिना बिल्कुल यशु धीरे धीरे चलो आप, है ना? नहीं नहीं उसको तो यशु मिल गई है, वो सबको भूल गई, दिन में आएगी, छुट्टी ले ली। फिर लेट कैसे आई? बढ़िया आ गई, फाइनली अनीता आ गई गाइज, इसको गलत पहना, ये देखो गाइज, निया और यशु है ना दोनों मिलकर डांस करना चाहती है, अभी मेरे को वहां से पकड़ के ले आई है कि हाँ मेरे को डांस करना है, ये पकड़ के लाई है। अच्छा निया पकड़ के लाई है, तो गाइज अभी तो कुछ नहीं, गाना चलेगा, अभी गाना चलेगा।